बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा विद्या बालन ने अपने शौहर सिद्धार्थ राय कपूर के साथ किराए के मकान में रहने की वजह बता दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा विद्या बालन किराए के मकान में रहती हैं। भूल भुलैया की अदाकारा ने हाल ही में बताया कि वो अपने तहफ्फुजात के बावजूद किराए के मकान में रहने का इंतखाब क्यों करती हैं। विद्या बालन ने मुंबई में मुनक्किदा एक तकरीब में गुफ्तगु करते हुए दावा किया कि बेहतरीन घर तलाश करना किस्मत की बात है। अगर आप एक घर में जाते हैं और आप जानते हैं कि ये आपका अपना घर है तो इसकी खुशी अलग होती है। इन्होंने 15 साल पहले अपनी वालदा के साथ घर की तलाश के तजर्बे को याद करते हुए बताया कि वो जिम्बोर के लंबे सफर से बचने के लिए बांद्रा या जुहू में अपने दफ्तर के करीब जगह तलाश कर रही थी। अदाकारा ने कहा कि इसी दौरान हमें एक बेहतरीन घर मिला। वो घर हमारे बजट से बाहर था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह इस घर में रहने का इंतजाम किया। जब पहली बार मैं इस घर में दाखिल हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये मेरा अपना घर है। विद्या बालन ने कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर से शादी के बाद फिर हमने घर की तलाश शुरू की। हमने तकरीबन 25 घरों को देखा, लेकिन हमें इन में से एक घर भी समझ नहीं आया। लेकिन आखिरकार हमें एक ऐसा घर मिल गया जिसे हम दोनों पसंद करते थे, लेकिन वो भी किराए पर था। विद्या बालन ने कहा, इतने गुंजान आबाद शहर में बाग और समंदर का नज़ारा शाज़ो नादिर ही किसी को मिलता है। इन्होंने मजाक करते हुए कहा, नया घर हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है क्योंकि इनका मालिक मकान इस मुआहदे से भारी चेक लेने से खुश है। वाज़ह रहे, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा विद्या बालन अदाकार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं।